आप वो गालियां दे सकते हैं कैमरे के सामने भी जवाबों में। बिलावल साहब जरा लोगों को अपनी टोन दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम जी तो भाईजान, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं? क्रिकेट से तो कल हम लाहौर आ गए थे, पहुंच गए थे, और आज हमारा जो मिशन है वो ये है कि हमने आज जाना है सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए, लाहौरी नाश्ता करना है। तो बस दोस्त आ रहे हैं मेरे, थोड़ी देर में वो पहुंच जाते हैं, मुझे पिक करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएँगे जी नाश्ता करने के लिए। सुबह सुबह उठने का क्या फ़ायदा है, हर तरफ परिंदों की हल्की हल्की खामोशी, और ये जो सुबह सुबह उठ के आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, इसकी क्या बात है। हाँ जी भाई जान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। बिलावल बिलावल साहब पहुँच गए आपके, किधर का प्रोग्राम है, किधर जा रहे हैं हम लोग? आज हम जा रहे हैं तीफे के पास। बस हम अभी आपको लेके जाएंगे तीफे के पास, और तीफे के लिए हम निकल पड़े हैं, उधर जाके फिर आगे हम आपको बताते हैं सिचुएशन क्या है। जान हम लोग इसको इस मोटी भैंस को मैंने समझाया था कि भजन ये गेट बंद होता है, सुबह नहीं खुलता इतनी जल्दी। अभी हमने गार्ड को उठाया, गार्ड भाई जान जो हमारा गेट खोल देंगे, फिर हम निकलते हैं। अभी हम जो रास्ता लेंगे उधर के लिए वो हम लेंगे वाया DHA जाएंगे। अच्छा भाई जान, ये हम उसके 11 से भी निकले थे, तो उसके 11 से निकलने के बाद हम लोग साथ साथ ही सर्विस रोड पे हैं, यहाँ से DHA सेक्टर M का अंडर पास आता है, इस अंडर पास पे से लेते हुए हम DHA फेज 5 में एंटर हो जाएंगे, और फेज 5 पे आगे फिर हम वाया भाई जान के तो जाएंगे, वाया सुबह सुबह का टाइम है, सूरज निकल रहा है और बड़ा अच्छा मौसम है, आंटियाँ वॉक कर रही हैं, अंकल रनिंग कर रहे हैं, गार्ड सोए हुए हैं, बिलावल साहब और मैं जो है हम लोग नाश्ता की तलाश में जो है ना जा रहे हैं। सफ़ी साहब जो है वो पहुँच गए होंगे, उम्मीद तो यही है, और मैसेज मैसेज कर रहे हैं, और हमें मैसेज मैसेज कर रहे हैं भाई जान आ जाओ, नाश्ता खत्म, नाश्ता मुक जाना है, हड्डियाँ भी नहीं लगनिया। ये भी हम अंडर पास फिटर हो गए, इस अंडर पास को हम पकड़ेंगे और सीधा DHA फेस 5 में पहुँच जाएंगे। ये भाई हमने अंडर पास क्रॉस कर लिए, और ये जो है ना इस चौक को पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन इधर दिल दिल पाकिस्तान लिखा हुआ है, ये याद रखें हम। तो इस चौक से भी हम फेस 5 में एंटर हो गए, सुबह का टाइम है, सन्नाटा है, ये हमारे गार्ड भाई जा रहे हैं, देखे 1 बजे आ रहे हैं, और जो है ना सारे कवानी भी जो है ना वहाँ का नेट कर रहे हैं, जहाँ पे श्रीलंका की टीम के ऊपर जो है ना वो अटैक हुआ था। बिलावल साहब की रहा है चौक था, ये गुलबर्ग चौक है, अभी इसको भी कंफर्म नहीं पता, इसने भी वैसे मारी है वहाँ में, तो ये पिछले दिनों जब हम शहबाज वजीर आला था उस टाइम पे पीटीआई वाले यहाँ पे धरना बोलते हैं, ओए ओए देखते हैं लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे सब सलाम से दुकान के लिए जो है ना ये चीजें इकट्ठी हो रही है। तो आप लोगों से भी सबसे अपील ये है कि भाई जितना मैक्सिमम जो जिस कैपेसिटी में डोनेट कर सकता है, हेल्प कर सकता है, कपड़े दे सकता है, राशन दे सकता है, मेडिसिन दे सकता है, जो भी चीज़ यू फाइंड एनीथिंग विच इज़ नॉट इन योर यूज एंड कैन बी यूज बाय समबडी, प्लीज़ कम टू दीज कैंप्स एंड डोनेट फॉर दोज फ्लड अफेक्टेड। लोगों के हालात बहुत ख़राब है सिंध के अंदर। हम जो है ना जी मेन रोड पे आ गए, ये लेफ्ट साइड पे अगर आप हमारे देखें तो ये अल मशहूर शरीक ट्रेड सेंटर है, फीस ट्रेड सेंटर,
पाँच सवेर सवेर का टाइम है ना, आधा मैं जागे हैं आधा सोता। यहाँ से भी हम सदीक से के सी फिर दूसरे सेंटर तो सीधा जाइए। सज्जे पास साढ़े सारे डेटिंग पॉइंट आ गए ने, सैकेंड कप हो गया मौका शोका ये वो, तो सीधा अभी जाइए हूँ अभी इतों जाके टच करा सीधा जेल रोड। लेफ्ट साइड पे जो है हमारे क्यों नहीं ये रहा भाई, ये तो गुलबर्ग गैलरी है, ये गुलबर्ग गैलरी है, ये नया बना है, नया के बहुत पुराना है अभी, पुराना हो गया और नवा है, पीछे वाला नवा, पीछे वाला नवा। नहीं जी भाईजान, ये मेरे हालातों का ख्याल है कि आप देख लें, जो नई चीज है उसको मैंने पुराना कर दिया, जो पुरानी चीज है उसको मैंने नया कर दिया। सामने थोड़ा सा देखें तो ये आपको पुल नजर आ रहा है, ये वो मशहूर पुल है लाहौर का, जिसके ऊपर एक भाईजान ने ना अपनी एक बेबी के लिए, पहले जो है ना वो भाई ने बेबी को मनाने की कोशिश की और बेबी जब नहीं मानी तो भाई ने बेबी को भी गोली मार दी और उसके बाद खुद को भी गोली मार दी। सिम्स आ गए, पंजाब गढ़ वाले जी भी बोलते हैं इसको, ओहो आगे पीछे हो गया कहना जी, ये आपने देखना ही है, आपने कौन सा आना है, इसलिए बेहतर ये है कि जैसे बिलाल बोल रहे हैं आप फोकस उधर रखें, सुनते मेरी रहे। पंजाब बोर्ड आ गया जिसको बाईस भी बोलते हैं, बाईस लाहौर, बी आई सी बी आई एस सी आई हाय बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट गंगाराम हॉस्पिटल है लाहौर का, फेमस है गंगाराम हॉस्पिटल, और ये राइट साइड पे जो गुजर गए ब्रिटिश काउंसिल और आगे फिर ये इमरजेंसी गंगाराम। हाँ जी, ये ब्रिटिश काउंसिल में भी हमारे कुछ दोस्त हैं, वो इधर जॉब करते हैं, तो बड़े वो उन्होंने भी जो है ना हमें काफी हेल्पिंग हैंड पे रहे फॉर फ्यू सोशल वर्क। ये अल मशहूर वो मोहम्मद हनीफ है, अल सैयद श्री भाई वाले जो है। हाँ जी, सफी भाई से हमने चेक कर लिया, वो हनीफे पे यार की तुम्हें जी भी बना लेंगे, कदे हनीफ बोल दो कदे हनीफा बोल दो, सही ना दस मैनू हनीफ ना, मैं हनीफे के नाम से। अच्छा अच्छा, अभी हम जाएंगे हनीफ के पास, उधर जाके आपको सफी से मिलवाते हैं और नाश्ता भी करते हैं, गाड़ी हमने पार्क कर दी। ये रश की सूरत हाल आप देख सकते हैं, और सुबह के 6 बजे का टाइम है, और आप देखेंगे 6 बजे के ऊपर जो है ना इधर लोग नाश्तों के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, और हम अभी भी बहुत लेट आए हैं, अभी हमें पता नहीं कुछ मिलता है आगे से कि नहीं मिलता है, लेकिन ये हनीफ भाईजान जो है ना इनका नाश्ता सुबह सुबह ही मुक जाता है। भाई एंटर हो गए ना,
बिलावल साहब जरा लोगों को अपनी टोन दिखाएं। ऐ देखो ऐ लाहौर के नाश्ते कर करके फिर यही हाल होता है। सब बैठे हुए डॉक्टर साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब को जो है ना हमने घंटे से बिठाया। डॉक्टर साहब फोन किया हम हेलो हाय कर रहे हैं। नाश्ता कर लिया आपने? आप वो गालियाँ दे सकते हैं कैमरे के सामने भी जो आप ऑफ कैमरा दे रहे थे। जय जो हमारे सफी भाई है ना, इन्होंने हमारे आने से पहले ही ऑर्डर कर दिया है। सफी भाई क्या ऑर्डर किया बताएं जरा लोग की ऑर्डर किया पावे भाई बकरे के छितर। अरे टायर तो मिस्त्री पाए हमने किए हैं। सफी भाई ने बकरे के टायर और बकरे के रिम ऑर्डर किए हैं। नाश्ता साढ़ा आ गया है। फ्री फायर अच्छी मंगाए रहे हूँ अच्छी नाश्ता करने हैं। नाश्ता करके फिर सूँ रिव्यू देने हैं। ये भाई जो है ना इनको ग्रेवी लेने का बहुत शौक है। अभी पहले वाला इन्होंने ख़त्म किया नहीं है और वेटर को कह रहे हैं 500 और मिल जाएगा। ये भाई जी है ये कह रहे हैं जो मर्जी आठ दो लक्कड़ एकदम पत्थर एकदम। ये भाई जान पाए खाने का सही तरीका है ये देखें। मजा है ये भाईजान हमारा जो अभी ब्लॉग है ये करीब करीब पहुंच गया। बिलावल साहब ने भी नाश्ता कर लिया है, मैंने भी कर लिया है। ये अभी हम इसके बाद लस्सी की ट्राई लेंगे और लस्सी पी के तो फिर हम लोग जो है ना घरों घर ही हो जाएंगे। हाँ जी सभी साहब मजा आया जिंदगी का मकसद पूरा। आप लोगों को रिकमेंड करते नहीं करते थोड़ा बोले? मैं कह रहा हूँ जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। और हाँ जी आपका यहाँ पे आज का ब्लॉग हम खत्म करते हैं और किसी और भाई ने भी आना होगा और कभी नहीं नीफ के भाई लाजमी ट्राई करें बहुत मज़े के। और सन 1962 से ये भाईजान जो है ना ये पाए भेज रहे हैं और यहाँ सुबह सुबह बहुत रश होता है। अगर आपने खाने हो तो सुबह जल्दी आएँ और टाइम से आके जो है ना अपनी चीज़ें लेके जाएं। देखें आंटी कैसे पोज मार के खड़ी है हमारी गाड़ी के ऊपर। और अगर आप लोगों को कोई हमारी वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी जो भी नहीं आने वाली वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।